जहाँ एक और हमारा हिंदुस्तान देश स्मार्ट सिटी विकसित करने की अंधाधौंध विकास की रफ्तार के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर के लालबाग में एक ऐसा भगवा गांव सजाया गया है जहां पर हमारे जीवन के वास्तविक मूल्यों से लोगों को परिचित कराने की पहल की गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर में भव्य आयोजन हिंदू मेले की, जहां का हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से एक गांव का जो रंग है ग्रामीण परिवेश में किस तरह से जीवन के वास्तविक मूल्यों का यहां पर दर्शन होता है, उसकी एक झलक यहां पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे चूल्हे और चौके की जो कहानी है वो यहाँ पर अद्भुत रंग से दिखाने की कोशिशें की गई हैं, और साथ ही साथ बड़ी दूर दूर से लोग भी जो हैं इस गांव के जो रंग को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर अनुभूति कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में संस्कार और संस्कृति का जो महत्व है उसे बताने की यहाँ पर इस भगवा गाँव में कोशिशें की गई हैं। कुछ बालिकाएँ भी हैं जो कि लगता है कि शहर से आई हैं, उनका यहाँ पर आकर क्या देखने का अनुभव रहा वो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगी आप, क्या आपने कभी इस तरह से गेहूं पिसते देखे हैं, और क्या वाकई में आज भी जो है हमारे हिंदुस्तान देश की संस्कृति और संस्कार जो है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है? हाँ, मतलब इससे अच्छा है कि बचत भी होती है, पैसा भी खर्च नहीं होता है और अपन घर में ही पी सकते हैं। अभी आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे होंगे, किस तरह से आपको कभी इस तरह से पाठ पढ़ाया गया या हमारे जो ग्रामीण जीवन का रंग है वो कभी आपने अनुभूत किया? नहीं, इस बारे में तो कुछ बताया नहीं है, मतलब कि वही अपने संस्कार से ही सीखते हैं सब कुछ, गांव में रह के गांव से ही सीखते हैं। आप यहाँ आए हैं, आपने क्या संदेश यहाँ से सीखा, अब इसको आप घर पर जाकर कैसे अभिव्यक्त करेंगे? मैं सबको बताना चाहूँगी कि किस प्रकार गांव, मतलब कि गांव में किस तरह के सामान होते हैं, उस तरह से सब मतलब उपयोग करना चाहिए उसका, और किस तरह मतलब अपन बचत कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पारंपरिक संसाधनों का सही उपयोग सदुपयोग कैसे किया जाए ये एक सीख यहाँ पर इस गांव में देखने को मिलती है, और साथ ही साथ हमारे देश की जो अभिन्न संस्कृति है उसके बहुत से रंग भी जो हैं यहाँ पर अभिव्यक्त हो जाते हैं। बहुत से और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं इस गाँव को आप भ्रमण करने के बाद, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिला? ग्रामीण कल्चर को उजागर किया है, सबको दिखाने के लिए, पहचान कराने के लिए ग्रामीण कल्चर को हैं, उससे सभी को रूबरू कराया है ग्रामीण कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है जिस तरह से आज हमारा देश या कहा जाए पूरी दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग की एक समस्या से जूझ रही है, और ऐसे में पर्यावरण हितेशी एक वातावरण विकसित करने की कोशिश इस भगवा गांव में की गई है, और भी लोग हैं जरा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए भाई साहब, आपने किस तरह से अनुभव किया, और क्या वाकई में हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो हमें बहुत हद तक जो है प्राकृतिक जीवन जीने की एक सीख भी देती है? सीख देती है, और ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। ये जो आयोजन रखा गया और जिन संस्थाओं ने करा है उनको पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अपने इतिहास की चीज़ें कहीं यहाँ ला के रखी हैं, जो अपने देश के शहीद भक्तों का भी इसमें करा है, फोटो रखे हैं उनकी, जो भी कहानियाँ बनाई हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और ग्रामीणों के लिए जो नया अपनी संस्कृति जो धुलित होती जा रही है उसको ला के इन्होंने वापस एक नया बनाया है, लोगों में चेतना जागेगी, नई जनरेशन समझेगी कि जीवन के जीने की शैली क्या है, जो भटकती जा रही नई रोज भाग दौड़ में उसको जीवन का परम आनंद ग्रामीण से ही है, तो लोगों को इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें कई धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वो अपने संस्कृति के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और इसको आगे और भी लोगों को बढ़ के इसको बढ़ावा दे के बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों में अपनी नई जनरेशन जो भटक रही है वो इस ओर आएगी, ताकि उनका भटकाव कम हो, ये परम सुख जो छीने जा रही है लोगों से भारी माहौल का, और उससे हट के इनका परम सुख इनको मिले जो अपने। तो ये मैं चाहता हूँ कि इसके जितने भी आयोजक लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जो भी इस संस्था से जुड़े हैं उन्होंने ऐसा कार्यक्रम आगे और करें, ताकि अपनी जनरेशन जो भटकाव में आ रही है उनको थोड़ा नई रास्ता मिले। तो कहीं ना कहीं संस्कार और संस्कृति में आई विकृति को दूर करने की एक बड़ी सीख, एक बड़ा पाठ इस भगवा गांव में देखने को मिलता है। और भी लोग हैं, बताइए भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में इस तरह के आयोजन जो हैं जीवन के वास्तविक मूल्यों से हमें परिचित कराकर जाते हैं? बिल्कुल सच बात है, और सही अर्थों में इस आयोजन को शायद लगाने के पीछे या इससे रूबरू करवाने के पीछे जनता से शायद यही उद्देश्य रहा होगा, और मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के सेवा पांडालों को यहाँ लगाना कि हिंदू समाज के अन्यान्य लोग किस प्रकार से समाज में सेवा के कार्य कर रहे हैं और उनको प्रदर्शित करना। कमर्शियल मेले तो 50 हुए हैं और इंदौर में होते रहते, लेकिन इस प्रकार का आध्यात्मिक हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला होना ये अपने आप में एक अनूठा है,
और मैं इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, उनका आभार करता हूं, और इस प्रकार से हिंदू समाज में जो सेवा के कार्य कर रहे हैं विभिन्न संस्थाएं, उनको एक मंच दे के उन्होंने जनता के सामने लाए, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है। यूँ तो सियासत की बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन हिंदुत्व और अध्यात्म का रंग जो है वो अपने आप में अभिन्न है और बहुत सारे संस्कार और संस्कृति की बड़ी बड़ी सीख हमें देता है। ये भी विडंबना का विषय है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के ज़माने में व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में बहुत हद तक समय बिताती है, लेकिन वास्तविक जीवन के मूल्यों से जो है वो अभी भलीभांति परिचित नहीं हो पाती। बहुत सारे और भी बच्चे हैं, बालिकाएँ हैं, जरा उनसे भी मुखातिब होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ये ग्रामीण रंग उनके जीवन में कोई नया परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। बताइए आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे, यहाँ आकर कैसा अनुभव किया? यहाँ पर मेरे को आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शहर में रहते रहते ऐसा लगता है कहीं अचानक कभी हम गांव में जाते हैं तो हमको ऐसी फीलिंग आती है कि हम हमारे गांव में, हमारे देश में आ गए हैं। पहले लोग गाँव जाते थे तो ऐसा बोलते थे कि हम हमारे परदेश जा रहे, बहुत खुश होकर बोलते थे कि हम हमारे परदेश जा रहे। तो अभी भी हम जब हमारे गांव जाते हैं हमें बहुत खुशी होती है, और यहां पर आके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहां की संस्कृति, हमारे जो सब सामान, ये सब चूल्हा घट्टी, इन सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लेकिन फिर गाँव वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या सीखा यहाँ आकर? हाँ, हमें भी बहुत खुशी होती है कि जैसे हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं है, पर जैसे घट्टी है, इनसे हम आटा निकालते हैं, फिर चूल्हा है, इनका हम प्रयोग हर किसी चीज़ में करते हैं, घरेलू सामान देख के बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम गाँव में आ गए हैं और गाँव देखने को मिल रहा है। शहर में जैसे लोगों को बताना पड़ रहा है कि गाँव कैसा होता था, आज के लोग सब शहर में रह के सब भूल चुके हैं, पर इसे देखना चाहिए कि गाँव में पहले सब कैसा था और सब ग्रामीण लोग कैसे रहते थे। तो कहीं ना कहीं कहा यह जा सकता है कि घाट पर बैठी ये बालिकाएं एक बड़ा केवल संदेश न केवल यहाँ पर दे रही हैं, बल्कि हमें ये भी बता रही हैं कि किस तरह से ग्रामीण कलेवर में भी जीवन जो है उसके एक अभिन्न रंग का परिचय उन्हें यहाँ होता है। दो कलमकार साथी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लगता है कि रिपोर्टिंग के मकसद से जो है इस भगवा गाँव का जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण मूले जी। मूले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में इस तरह के जो प्रयास हैं वो जीवन में एक नया संदेश, एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं? सही बात है, ग्रामीण परिवेश जो है मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा का संचार तो 100% करता ही है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से मैं अनिता जी से चर्चा कर रहा था, चर्चा में एक बात सामने आई कि ये सिमरौल के कजलीगढ़ से यहाँ आई हुई है और इन्होंने अब गाँव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराने की कोशिश की है। हर दिन ये मक्की की रोटी बनाकर लोगों को खिला रही, बता रही है कि ये ग्रामीण परिवेश का एक माहौल है। एक रोचक जानकारी इस बीच चर्चा में सामने जो आई है कि एक मुर्गा जो ग्रामीण परिवेश दर्शाने के लिए सिमरौल से लाया गया है, इस मेले के अंदर इस मुर्गे ने 2 दिन से पानी नहीं पिया। आप सोच सकते हैं कि इस पशु को तक इतनी बात समझ आ रही है कि गाँव जो है वाकई एनर्जी उत्साह देता है, और जब वो इतनी सारी भीड़ में आया है तो कहीं ना कहीं ये दुखी लग रहा है मुर्गा भी, और ये 2 दिन से इसने कुछ खाया भी नहीं है। इससे पता चल सकता है कि शहरी आफादाफी का जीवन में व्यक्ति कितना परेशान है, और यदि ग्रामीण परिवेश में व्यक्ति रहता है तो कितना सुकून और कितना तनाव मुक्त रह सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं आज हम प्रदूषण की समस्या से 2-4 हो रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के जितना हम करीब रहेंगे, जितना हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, उतना ही सही मायनों में हम अपने जीवन को जी पाएंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता शार्दुल राठौर भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि बहुत सारे रिपोर्टिंग के रंग जो हैं वो इस भगवा गांव में जो है वो देख चुके हैं। शार्दुल जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में आपके चौथे स्तंभ के प्रहरी होने के नाते क्या राय बनती है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा देश है भारत, उसकी कल्पना गाँव से ही की जाती है, लेकिन आधुनिकता के दौर में अगर बात की जाए तो अभी जो नया दौर है उसमें स्मार्ट सिटी जैसे शब्द आ चुके हैं, और ऐसे में गाँव कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। और आज स्थिति ये बनाई है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें गांव बसाए जा रहे हैं, और गांव बसाकर ये बताया जा रहा है आज के युग की पीढ़ी को कि गांव किस तरह से होते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बदलता दौर भी है, वहीं एक ये संदेश भी देता है कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा आज भी गाँव में ही जीवित है। शहरीकरण भले देश में हो रहा हो, लेकिन ये सब चीज़ें हमसे पिछड़ती जा रही है, और इसी को लेकर ये आयोजन लालबाग में इंदौर में किया गया है। और इस आयोजन के माध्यम से आने वाली जो पीढ़ी है उनको यही दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा जो ग्रामीण परिवेश है वो किस तरह का होता है। अगर ऐसा ना हो तो आधुनिकता के दौर में जो पीढ़ी है
व्हाट्सएप और फेसबुक के दौर में जो पीढ़ी आधुनिकता के दौर में जा रही है उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण कल्चर क्या होता है। बात की जाए इस मेले की तो यहाँ पर वास्तव में एक ज्ञान देने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर बकायदा स्टॉल्स लगाकर धर्म संस्कृति और समाज सेवा से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं वो निशुल्क जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं कि हमारे देश में किस तरह से सेवा के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं और सेवा के लिए लोग आगे आते हुए कई तरह के काम कर रहे हैं। वहीं इस गाँव को बसाकर यह कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण परिवेश है वो हमारे देश में इस तरह से होता है और जो हमारी पीढ़ी है आने वाले समय में जो अभी युवा पीढ़ी है और जो बचपन में बच्चे देख रहे हैं उनको पता चले कि हमारे देश की एक संस्कृति एक परंपरा ग्रामीण परिवेश भी है, नहीं तो आधुनिकता के दौर में सब गुम होता जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं कहा ही जाता है कि बच्चे होते हैं बड़े ही मन के सच्चे और शायद यही वजह है कि यहाँ पर तमाम स्कूलों के बच्चों को निमंत्रण भेजा गया है, आमंत्रित किया गया है ताकि वो यहाँ आए, जीवन के वास्तविक मूल्यों से जो है उनका नाता सीधे जुड़े, प्रकृति की गोद में भी एक जीवन पलता बढ़ता है उसकी वो झलक न केवल यहाँ पर देख पाएँ बल्कि सही मायनों में। स्मार्ट सिटी जैसे शब्दों से हमारा परहेज नहीं है बल्कि विकास की इस अंधाधोड़ रफ्तार के बीच वो जीवन को भी सही मायनों में जी पाएँ, शायद यही कोशिश है हिंदू मेले के इस आयोजन की। फिलहाल इजाज़त दीजिए, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News, इंदौर।